अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर बेनी शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार प्रयुक्त बेनी कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में रति शब्द तीन बार प्रयोग हुआ है। पहली बार रति रति का अर्थ है रत्ती के समान, जरासी, और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर पत्नी रति का नाम। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। एक बार फिर से समझे, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। तीसरा भेद होता है शब्द अलंकार का, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जैसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ पर एक शब्द दो अलग अलग अर्थ दे वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी काव्य में एक शब्द के दो अर्थ निकलने तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखें, चरण धरत चिता करत चितवत चहु ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उपयुक्त दोहे में दूसरी पंक्ति में सुब्रन प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक ही शब्द सुमरन के यहाँ तीन अर्थ निकलते हैं, कवि सुब्रन अर्थात अच्छे शब्द, व्यभारी सुब्रन, व्यभिचारी सुब्रन अर्थात अच्छा रंग रूप, और चोर भी सुब्रन अर्थात स्वर्ण को ढूंढ रहा है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जिस काव्य में निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।